Welcome to another exciting episode at the Sunday Chef. Diwali may be over, but the festivities certainly aren't. And इसी को continue करते हुए आज हम बनाने जा रहे हैं आपकी favorite मटर पनीर. So आइए मिलके बनाते हैं. Now मटर पनीर बनाने के लिए जिन ingredients की जरूरत है आइए उनसे मुलाकात करते हैं. स्टार्टिंग विद मटर एंड पनीर ऑब्वियसली. उसके बाद हम लेंगे प्याज और टमाटर. नाउ इसमें एक चीज देखने वाली है कि प्याज और टमाटर का जो प्रपोर्शन है वो 1:2, दैट मीन्स जो टमाटर रहेंगे वो डबल रहेंगे और प्याज उसका हाफ रहेगा. उसके बाद हम लेंगे साबुत जीरा, साबुत धनिया. नाउ इसमें हमने लिया है थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, 4 to 5 ऑफ कार्डमम, एंड उसके बाद हमने ली है दालचीनी. फिर हमने लिए थोड़े से काजू जिसको हमने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है, थोड़ा सा कोरिएंडर और साथ में जिंजर गार्लिक एंड सम चिली. इन टर्म्स ऑफ मसालास वी आर गोइंग टू रिक्वायर सम गरम मसाला, लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक. नाउ हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से. नाउ स्टेप नंबर 1 में हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट पनीर, मटर और हमारे पाउडर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छोड़ के सब चीजें हम एक इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे. स्टार्टिंग विद टोमेटोज, अनियंस, जीरा, धनिया, हमारे मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, कार्डमम और सिनेमन. उसके बाद इसमें हमने पानी निकाल दिया, भिगो के रखा था, अब इसमें से हमने पानी रिमूव कर दिया. कैशू भी डाल दिए, साथ में डाल दिया कोरिएंडर और लास्ट में डाल दिए जिंजर गार्लिक एंड चिली. अब इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे. नाउ हमने इसको एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी कि इसमें हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, जो भी नेचुरल वाटर नॉर्मल टोमेटो और अनियन में होता है उसके हिसाब से ही हमने इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया. नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2. नाउ स्टेप नंबर 2 में हम अपनी कढ़ाई गर्म करेंगे. इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा ऑयल, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. एंड देन जो हमारा पेस्ट है इसको हम स्क्रेप करके डालना शुरू करते हैं. नाउ इसको हमने मीडियम टू हाई हीट पे इसको गरम करना है, एंड तब तक गरम करना जब तक ये बॉईल ना आ जाए, और बॉईल एक बार आ जाए तो उसके बाद सिम पे करके इसको भूनने के लिए रख देना है. दिस शुड टेक अबाउट 15 to 20 minutes, बट बेसिकली हमें तब तक वेट करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए. ना ऑयल सेपरेट होने के टाइम पे हो सकता है इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाए, बट देन दैट्स ओके, डोंट वरी, जस्ट गो अहेड विद द प्रोसेस. नाउ हमें करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, एंड आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रेवी है, जो मसाला बन रहा है इसका, ये बार बार चिपकता रहता है. सो डोंट गेट वरीड, इसको आपको हर 2-4 मिनट में आपको इसको थोड़ा स्क्रेप ऑफ करते रहना पड़ेगा, एंड करते करते थोड़ी देर बाद दिस विल बेसिकली रिलीज इट्स ऑयल. ठीक है, सो डोंट गेट वरीड. अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऑयल जो आपको साइड में दिख रहा है ये सेपरेट हो चुका है. सो दैट मीन्स आर दिस पर्टिकुलर ग्रेवी और मसाला एज यू वुड से इज नाउ डन. नाउ यू टू इंश्योर कि आप एक थिक बॉटम पैन लें, पतला वाला ना लें, नहीं तो फिर ये बार बार स्टिक होता रहेगा साइड में और मसाला जलना शुरू हो जाएगा. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप थिक बॉटम पैन या फिर कढ़ाई लें. नाउ इसमें हम नेक्स्ट स्टेप अप करने वाले हैं, विच इज टू बेसिकली ऐड दीज पीस. नाउ ये ऑलरेडी ब्लांच हो रखी है, तो इसको बस ऐसे ही थोड़ी देर इसमें चला लेना है, और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी. नाउ दिस इज अबाउट जस्ट अबाउट अ
जस्ट ओवर अ कप ऑफ वाटर दैट आई हैव पोर्ड इन। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ्रोजन या फ्रेश पीस यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़े से और पानी की जरूरत पड़ेगी इसको पकाने के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देते हैं। एक बार ये बॉइल हो गया है तो अब इसमें हम अपनी गैस सिम पे कर देंगे एंड एक एक करके मसाले डाल देंगे, स्टार्टिंग विद कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद टर्मरिक एंड थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। मिला लेंगे एंड देखेंगे कोई लम्स फॉर्म ना हो, उसके हिसाब से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ इस ग्रेवी को हल्का इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से मैं हल्का सा इसमें पानी डाल रहा हूं और इसको मीडियम फ्लेम पे करके वी लेट इट बॉइल एंड इसमें इसको इसकी ग्रेवी को हल्का सा और एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे। एक बार बॉईल आने का वेट कर लेंगे। नाउ हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई है। एज अ लास्ट स्टेप हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे। इस कसूरी मेथी को मैं हल्का सा हाथ में क्रश कर दूंगा और क्रश करने के बाद इसमें डाल देंगे। नाउ इसके बाद हम डालेंगे अपने पनीर के पीसेस इनको आराम से करना है कि ये पनीर के पीसेस ना टूटे। और इसके बाद नाउ वी गोना यूज दिस स्पून सो दैट हमारे पनीर के पीसेस ना टूटे। इसको आराम से धीरे धीरे करके ऐसे मिला लीजिए एंड अ ग्रेवी इज डन। इसको ऑब्वियसली सर्व करेंगे सो जस्ट पोर सम ब्यूटीफुल ग्रेवी, जस्ट सी हाउ क्रीमी एंड ऑसम दिस लुक्स। करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा धनिया डाल देंगे। धनिया लेट्स मूव ऑन टू टेस्टिंग द डिश। सो गाइस आफ्टर 1 आवर अमेजिंग कुकिंग आई हैव द डिश विद मी एंड जस्ट हैव अ लुक। ये तो आपने देख ही लिया था, देखिए कितना अच्छा कलर है ग्रेवी का एंड पनीर। एंड पनीर के बाद फिर मैंने सिंपल सिर्फ कोरिएंडर से हमने इसको गार्निश कर दिया। नाउ आई हैव पोर्ड सम फॉर माई सेल्फ एज वेल सम करी एंड इसको मैं खाऊंगा एक वर्की पराठा के साथ। सो इट्स बेसिकली लाइक अ लच्छा पराठा एंड इसमें अलग अलग लेयर्स हैं। आई थिंक इट्स बेस्ट एंजॉयड विद दैट। और ये इसमें हमने थोड़ी दाल थोड़ा सा पालक मिक्स करके इस पराठे को बनाया तो इसलिए दिस इज इन ग्रीन कलर एंड आई जस्ट टेस्ट। Amazing. बहुत बढ़िया टेस्ट है। प्लीज डू गिव इट अ ट्राई। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @_thesundayshef। डू गिव दिस पर्टिकुलर रेसिपी अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि मैं और आगे क्या बनाऊं। Keep the love flowing. This is the Sunday Chef signing off.